राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित पोर्टमोर स्कूल में आयोजित एनएसएस कैंप का वीरवार को समापन हो गया। इस मौके पर छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में बैनमोर वार्ड की पार्षद डॉक्टर केमी सूद और पटियोग वार्ड से पार्षद आशा कुमारी बतौर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने विशेष अतिथि एवं अध्यापकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य एवं पार्षद डॉक्टर केमी सूद ने अपने विचार साझा किए। क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम एनएसएस की जो क्लोजिंग सेरेमनी एक हफ्ते का कार्यक्रम था यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एनएसएस है वो एक कम्युनिटी वॉलंटियर की तरह काम करते हैं सर्विसिंग के लिए। तो मुझे लगता है जो राष्ट्रभाव की जो हम एक बीज बोते हैं इस समय बच्चों में, वो आगे जाके राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे कार्यरत होता है ये हम आगे जाके देखते ही हैं। क्योंकि बच्चों में चरित्र का यहाँ पे जिस प्रकार से देखा जाता है कि किस प्रकार से वो कम्युनिटी सर्विसिंग में कैसे भाग लें, अपनी भागीदारी दें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पोर्टमोर स्कूल हर अगर हम एस्पेक्ट देखें, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स हो या वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विसिंग हो या एकेडमिक्स हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं साधुवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं बच्चों के पास आ सकी हूँ और उनको बहुत बहुत मेरी बेस्ट विशेस है इस कैंप के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 4 फरवरी को हमारे इस विद्यालय के अंदर जब बहुत ही बड़ी बर्फबारी हुई थी, तो एक पेड़ जो हमारी बिल्डिंग में गिर गया था और पूरी बिल्डिंग हमारी एक एमडीएम का जहाँ हमारा रूम था और उसका जो डाइनिंग हॉल था वो धराशायी हो चुका था। और उसके साथ जहाँ से वो पेड़ गिरा था वहाँ से डंगा गिरने वाला था और उसके ऊपर पानी की हमारी कम से कम कोई 30 टंकियाँ लगी हुई हैं। तो एनएस कैंप के थ्रू हमने प्रयास किया और एक तो डंगा तो स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये डंगे का एक बहुत बड़ा निर्माण जिसकी लंबाई 15 मीटर है और हाइट जो है वो 4 मीटर है, तो उसके जो है स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से हमने यहाँ पे इस डंगे को लगाया। लेकिन मिट्टी बहुत ही रास्ता जो है कट चुका था, जो हमारा चार्ली मिला से रास्ता है विद्यालय का। मैं इन छात्राओं को और मैडम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने 7 दिनों में इस रास्ते को क्लियर करने में, इस कैंप में न केवल इस रास्ते को क्लियर किया बल्कि जो हमारे साथ वाले लगते एरियाज थे स्कूल कैंपस के अंदर ही, उनको भी साफ सफाई की और हो रहा है। उसमें मैं डॉक्टर किमी सूद जी का, जो हमारे साथ लगते वार्ड की पार्षद है बैनमोर की, और आशा जी का जो BCS पटियोग वार्ड से जो है हमारी पार्षद हैं, साथ में हमने यहाँ की स्थानीय पार्षद को भी बुलाया था क्योंकि आज वो मुख्य अतिथि रहने वाली थी हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन किन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण वो अचानक आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाई हैं। लेकिन उन्हीं के हम शुभकामनाओं से और उनके सहयोग से भी इस विद्यालय में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं।